सो यस फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। दिस इज नितेश भारद्वाज, आपका मेरे चैनल फर्स्ट अप्रोच में स्वागत है। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज कमेंट में यस टाइप कर दें, ताकि जो हम आगे की क्लास को प्रोसीड करते हैं। रजनी कौंडल जी, आप हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज। बिल्कुल ठीक ठीक है। चलिए, तो आज का टॉपिक मैं आपको बता दूं, आई होप आपने डेमो क्लासेस ली है पहले। अगर डेमो क्लासेस आपने ली है तो प्लीज यस टाइप कर दीजिए। अगर आपने डेमो क्लासेस ली है तो प्लीज यस टाइप कर दीजिए। ठीक है, शबनम राणा जी, रजनी कौंडल जी और मोहिंदर ठाकुर जी, क्या आपने भी डेमो क्लासेस ली हैं? ठीक है, तो मोहिंदर ठाकुर जी, आपने डेमो क्लासेस नहीं ली है, मैं आपको ये बता दूं, आज का टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन आपको जो मैं है संडे वाले दिन स्पेशल क्लास आपके लिए लूंगा, जिसमें हम सेट वाले टॉपिक को कंप्लीट आपके लिए सिर्फ कंप्लीट करवाएंगे। आज जो हम करेंगे, आज हम करेंगे फंक्शन के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कॉपी पेन निकाल लीजिएगा। मोहिंदर ठाकुर जी, आपको मैं बता दूं रूल क्या है, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप वाई टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन है, आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर हाँ, आपको माइक के थ्रू बोलना है तो भी आप टाइप कर दीजिएगा, मैं आपका माइक जो है अनम्यूट कर दूंगा। हाँ, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, मैं आपको बता दूं फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले ऑलरेडी सेट और रिलेशन डेमो क्लासेस में हो चुका था। मेजोरिटी जो स्टूडेंट है उन्होंने वो क्लासेस अटेंड की है, इसलिए मैंने वो टॉपिक कवर करना अभी जरूरी नहीं समझा। मोहिंदर ठाकुर जी को मैं स्पेशली जो ये क्लास संडे वाले दिन करवा दूंगा। तो चलिए देखिए, फंक्शन मैंने आपको कुछ व्हाट्सएप दिया था कि फंक्शन पढ़ने से पहले कुछ रिलेशन के मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, क्या आपने वो पढ़ी है? तो प्लीज यस टाइप कर दीजिए, जो भी मैंने डेफिनेशन व्हाट्सएप पे आपको सेंड करी थी। ठीक है, तो देखिए फंक्शन किस तरीके से हम पढ़ेंगे। पहले मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूलाज करवाऊंगा, जिन फॉर्मूलाज के ऊपर प्रीवियस ईयर में जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक एसोसिएशन होती है बिटवीन टू सेट। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, जो आपने लिखना है वो जो मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखूंगा उसको आप जरूर लिखें। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक एसोसिएशन होती है बिटवीन टू सेट में, मतलब कोई सेट ए के एलिमेंट किसी एसोसिएशन के साथ जो सेट बी के एलिमेंट के साथ जुड़े होते हैं, और सभी के सभी एलिमेंट किसी ना किसी रिलेशन के साथ एसोसिएट हुए होते हैं दूसरे सेट बी के साथ, उसे फंक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये है सेट हमारे पास ए ए बी सी, दूसरा सेट है बी। इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो एग्जाम में आप इसके क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी जैसे हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन होगी, डिफरेंशिएशन होगी, उनको हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल से समझ सकते हैं, लेकिन रिलेशन फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसका बेसिक क्लियर होना आवश्यक है, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हमें होती है। ठीक है, देखिए दूसरा सेट है हमारे पास 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब देखिए जो ए सेट के एलिमेंट है, मान लीजिए ए एसोसिएट करता है 2 के साथ, बी एसोसिएट करता है 3 के साथ, सी एसोसिएट करता है मान लीजिए 5 के साथ। इस एसोसिएशन को कहा जाता है फंक्शन। सभी एलिमेंट ए के, देखिए सारे ए बी सी सारे के सारे एलिमेंट किसी रूल के तहत जब एसोसिएट होते हैं एलिमेंट बी के साथ, इसे कहा जाता है फंक्शन। ठीक है, अमूमन हमने दूसरा फंक्शन पढ़ा है इस तरीके का, f of x which is equal to x square। ये भी फंक्शन है। ये किस तरीके का फंक्शन है, ये डिपेंड करता है वेरिएबल के ऊपर। ये वाला फंक्शन x की वैल्यू पे डिपेंड करता है, जहां पर मान लीजिए x के एलिमेंट है a b c और ये जो x square होगा ये होगा एलिमेंट b का यानी y। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज आपको नहीं होना है, सिंपल सी डेफिनेशन समझिए क्या है ये।
फंक्शन एक लॉ होता है, लॉ एसोसिएशन रूल होता है, जिसके तहत सेट ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट के साथ जुड़ते हैं। इसमें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो लिखिए डोमेन, रेंज और कोडोमेन। ये आपको पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए आपको? डोमेन, दूसरा आपको पता होना चाहिए रेंज, और तीसरा आपको पता होना चाहिए कोडोमेन। ठीक है, इसे आप जरूर लिखिएगा। वैसे तो मैंने आपको ये रिलेशन वाले टॉपिक में भी करवाया है, लेकिन उससे हल्का सा डिफरेंट है यहां पर, हल्का सा, तो ध्यान से समझिएगा। इसलिए मैंने आपको कहा था कि रिलेशन वाले टॉपिक को एक क्विक रिव्यू दे दीजिए। अगर अभी तक जितना पढ़ाया क्लियर है, आपके पास मेरे अच्छे से आवाज आ रही है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। वाई टाइप करें, यस। ठीक है, चलिए देखिए डोमेन क्या होती है। मैं डोमेन आपको दो तरीके से बताऊंगा, एक बताऊंगा जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगी, दूसरा बताऊंगा जो रिलेशन और फंक्शन में यूज होगी। तो एक साथ समझ लीजिएगा, जब हम ट्रिग्नोमेट्री वाला टॉपिक करेंगे तो आपको और ज्यादा आसानी हो जाएगी। देखिए डोमेन, डोमेन वो वैल्यूज होती है जिनके ऊपर फंक्शन होता है डिफाइंड। ठीक है, डोमेन क्या हुई? वो वैल्यू जिसके ऊपर कोई फंक्शन होता है डिफाइंड। ठीक है, रेंज क्या होती है? रेंज वो वैल्यू होती है, जैसे मान लीजिए ये फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब इसकी डोमेन क्या होगी? इस फंक्शन की डोमेन होती है जिसके ऊपर फंक्शन होता है डिफाइंड, यानी ऑल रियल नंबर। देखिए हर एक रियल नंबर पर यह फंक्शन क्या है? डिफाइंड है। रेंज क्या होगी इसकी? रेंज भी ऑल रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट माइनस वाले। अगर देखिए माइनस वन भरेंगे तो पॉजिटिव वन आएगा, माइनस टू पुट करेंगे प्लस का फोर आएगा। तो देखिए इस फंक्शन की डोमेन होगी ऑल रियल नंबर, और इस फंक्शन की रेंज क्या होगी? जीरो से इंफिनिटी। नेगेटिव वैल्यूज यहां पर नहीं होंगी रेंज में। आई होप इस फंक्शन में आपको डोमेन और रेंज कंफर्म हो गई होगी। कैसे निकलती है? क्योंकि यहां से डोमेन निकालना ही एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा देखिए, जो इस तरीके के सेट दिए गए होते हैं, इसमें किस तरीके से डोमेन और रेंज निकाली जाती है, ध्यान दीजिए। देखिए ये है इसका एसोसिएशन जो हमने बताया, इसका जो रिलेशन बनेगा वो क्या है? ए कॉमा टू, दूसरा क्या है? बी कॉमा थ्री, तीसरा क्या है? सी कॉमा फाइव। ठीक है, ये मान लीजिए कोई रिलेशन है इन दो फंक्शन का। इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ए बी सी, ये कहलाती है डोमेन, यानी फर्स्ट एलिमेंट ए बी सी ये कहलाती है डोमेन। तो सेट ए क्या हो गया हमारे पास? डोमेन हो गया। रेंज क्या हुई? जो सेकंड एलिमेंट है टू थ्री फाइव, देखिए सेकंड एलिमेंट क्या है? टू थ्री फाइव, ये कहलाती है रेंज। कोडोमेन, कोडोमेन होती है ये पूरा का पूरा सेट बी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सेट बी हुआ कोडोमेन, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में कोडोमेन और रेंज जो है हमारी बराबर होती है, इसलिए बुक में आपको कई जगह मिलेगा कि रेंज को कोडोमेन ही कहा जा रहा है। लेकिन बिल्कुल बारीकी से जब आप देखोगे, रेंज होता है सेकंड एलिमेंट, कोडोमेन होता है सेट बी। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। और जो सेट ए होती है वो होती है डोमेन रिलेशन एंड फंक्शन में। फिर से बता दूं, कोडोमेन और रेंज में कंफ्यूज नहीं होना है। कोडोमेन कहलाता है सेट बी, रेंज कहलाता है जो रिलेशन निकला होता है उसका सेकंड एलिमेंट टू थ्री फाइव, ये हो गया रेंज। कोडोमेन आएगा हमारा सेट बी। अब यहां पर एक नई चीज आएगी, रेंज स्पेस। क्या आएगा? रेंज स्पेस। फंक्शन में रेंज स्पेस और कोडोमेन एक ही चीज होती है, रेंज स्पेस को ही कोडोमेन कहा जाता है। ये चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इनके बेसिक के ऊपर पूछा जाता है, इससे बहुत बड़ा न्यूमेरिकल एग्जाम में नहीं आता, इसलिए ये बेसिक क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा, तो यस टाइप कर दीजिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं।
मोहिंद्र ठाकुर जी, क्या आपको क्लियर हो गया? तो प्लीज यस टाइप कर दीजिए। बिल्कुल ठीक। देखिए अब आगे तीन चीजें, तीन फंक्शन आपको बताऊंगा, ऑन टू फंक्शन, वन वन फंक्शन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको इसकी लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस समझ लीजिए, एक ही बार आपके दिमाग में बैठ जाएगा। कौन सा फंक्शन है पहला? पहला फंक्शन हम पढ़ेंगे वन वन फंक्शन, दूसरा फंक्शन हम पढ़ेंगे ऑन टू फंक्शन। आज की जो वीडियो बिल्कुल बेसिक इसलिए हो रही है क्योंकि जो फंक्शन वाला टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है। एक दो क्वेश्चन वैसे अमूमन हर साल पूछे जा रहे हैं और वे क्वेश्चन सारे के सारे बेसिक के ऊपर है। जब ये क्लियर होंगे तब ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। देखिए लिखने की आवश्यकता नहीं है इस फंक्शन को, बस बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। वन वन फंक्शन क्या होता है? मान लीजिए एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी। अगर हर एक एलिमेंट इस सेट ए का हर एक एलिमेंट बी के साथ जो है एसोसिएट करता है, ठीक है, उसे कहा जाता है वन वन फंक्शन। बिल्कुल सिंपल। देखिए कैसे, मान लीजिए ये कोई सेट है, इसके एलिमेंट है वन टू थ्री फोर। ये कोई दूसरा सेट है बी, जिसके एलिमेंट है ए बी सी बी, ठीक है। जब हर एक एलिमेंट किसी अलग एलिमेंट के साथ एसोसिएट होता है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए हर एक एलिमेंट अलग एलिमेंट के साथ एसोसिएट होता है, ये फंक्शन कहलाता है वन वन फंक्शन, ठीक है। अभी मैं एलिमेंट कह रहा हूं, अब एक नई टर्म सुनिए जो इंपॉर्टेंट है, जो बुकिश टर्म है। देखिए ये जो ए बी सी डी है, ये सेट है हमारे पास वाई मान लीजिए, ये सेट है हमारे पास एक्स मान लीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए बी था तो ये पहला सेट है, ये दूसरा सेट है। जैसे इसको हम फंक्शन भी इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर कहीं पे ये फंक्शन समझ नहीं आएगा मैसेज छोड़ देना, मैं अभी आपको समझाऊंगा, लेकिन ये जरूर समझना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब ये जो एक्स है ये इस सेट का एलिमेंट है और ये जो वाई है ये इस सेट का एलिमेंट है। जब हर एक एलिमेंट अलग एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर रहा है वो फंक्शन कहलाता है वन वन फंक्शन। हर एक अलग एलिमेंट है। देखिए अब ऑन टू फंक्शन क्या होता है? देखिए ऑन टू फंक्शन समझिए, मान लीजिए कोई ये सेट है हमारे पास वन टू थ्री, यहां पर मान लीजिए ए बी सी डी है। ऑन टू फंक्शन उल्टा चलता है, ये जो एलिमेंट है इसका कम से कम एक यहां पर जो एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक ए के साथ कर रहा है, दूसरा सी के साथ कर रहा है, तीन बी और डी के साथ, दोनों के साथ कर रहा है। लेकिन यहां पर फर्क क्या है, उल्टा देखना है। जो ये वाई एलिमेंट था, जो ये वाई सेट था, इसका हर एक एलिमेंट एटलीस्ट एक एलिमेंट के साथ तो एसोसिएट कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी के साथ करें। तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं ऑन टू फंक्शन। अब देखिए ये जो वाई सेट है इसके जो एलिमेंट है इन्हें कहा जाता है इमेज, इन्हें क्या कहा जाता है, इमेज। और ये जो एक्स के एलिमेंट है इन्हें कहा जाता है प्री इमेज। तो ये सारी चीजें माइंड में लेकर चलनी है, ये वाला डायग्राम भी, ये वाला फंक्शन भी और ये वाला फंक्शन भी। तो ये वन वन हुआ, ये ऑन टू हुआ, और जो फंक्शन दोनों होते हैं वन वन और ऑन टू उन्हें बाइजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। वन वन को और क्या कहा जाता है, इंजेक्टिव। ये आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, एग्जाम में इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ इसके ऊपर जरूर क्वेश्चन बन सकता है। ऑन टू फंक्शन को कहा जाता है सजेक्टिव, और जो फंक्शन बोथ होते हैं इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव उसे कहा जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, यहां तक आपको दोनों फंक्शन क्लियर हो गए तो प्लीज यस टाइप कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक आपको एग्जाम्पल दूंगा उससे आपका क्लियर हो जाएगा सब कुछ। आई होप नोट डाउन कर लिया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी रहती है, तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं, जो हमारा ग्रुप बना हुआ है आप मुझे यहाँ पे भी जो है बता सकते हैं। और जितना भी मैं व्हाइट बोर्ड पे करवाऊंगा वो तो आपको लिखना ही लिखना है,
क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक है, ये आपको किसी एक बुक में नहीं मिलेगा। मैंने मॉडर्न की बुक कंसल्ट की है, स्पेक्ट्रम की और एनसीईआरटी की, इन तीन बुक से जितने भी फार्मूलाज बनते हैं प्लस प्रीवियस ईयर को लेकर, वो आपको हर एक चीज यहाँ पर करवा रहा हूँ। फिर भी कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ना होगा आप जरूर बताएं, इसीलिए जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने बनाया है। देखिए एक एग्जाम्पल आपको दूंगा, मान लीजिए ये कोई सेट है ए, ये सेट है बी, यहाँ पर है एलिमेंट ए बी सी डी और दूसरा है 1 2 3 4 और 5, डी 4 के साथ, सी 3 के साथ, बी 2 के साथ, ए 1 के साथ, बताइए ये कौन सा फंक्शन है? 1 1 ऑन टू या बोथ है, बताइए कौन सा फंक्शन है? इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव या बाइजेक्टिव, क्या है ये? कमेंट करके जल्दी से बताओ। वन वन ठीक है, इंजेक्टिव बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। क्योंकि देखिए ये ऑन टू क्यों नहीं है, ऑन टू फंक्शन इस एलिमेंट की भी प्री इमेज होनी चाहिए थी, इसलिए ये फंक्शन क्या हुआ हमारा, वन वन फंक्शन हुआ। बिल्कुल ठीक, आपको समझ आ चुका है। अब चलिए थोड़े और इंपॉर्टेंट, हाँ एक चीज आपको बता दूं, एक क्वेश्चन जो है अभी दिमाग में आया 2020 में पूछा गया था, जो रिलेशन वाले टॉपिक से है, लेकिन वो मैंने आपको नहीं करवाया था। फंक्शन था इनवर्स रिलेशन किसे कहते हैं, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था इसके ऊपर। क्या क्वेश्चन है? इनवर्स रिलेशन। ये रिलेशन वाले टॉपिक में मेरे को करवाना रह गया था। इनवर्स रिलेशन क्या होता है, देखिए मान लीजिए कोई ए और बी है, आपस में रिलेट कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं आर को, ठीक है, तो इनवर्स रिलेशन इंप्लाइज करेगा कि इसका उल्टा, बी कोमा ए इंप्लाइज करेगा आर इनवर्स को, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए जो इसके डोमेन है, देखिए डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर कितनी होगी, ए इज इक्वल टू इसकी रेंज ऑफ आर इनवर्स के बराबर होगी, रेंज ऑफ आर इनवर्स, क्योंकि देखिए ए के साथ हो आर इनवर्स की, यहां पर रेंज बन गई, यहां पर डोमेन है और बी क्या है, रेंज। अगर रेंज है, देखिए रेंज ऑफ फंक्शन आर है वो किसके बराबर होगा, वो डोमेन ऑफ आर इनवर्स के बराबर है, डोमेन ऑफ आर इनवर्स। इसको अच्छे से समझ लीजिए, अगर समझ आ गया वाई टाइप कर दीजिए, फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो आपको बताना रह गया था। ठीक है, चलिए इनवर्स रिलेशन भी हो गया। अब आगे जो है, आज की वीडियो जो है थोड़ी सी थ्योरेटिकल वीडियो है, क्योंकि यहां से बेसिक ज्यादा पूछा जाता है। देखिए अब मैं आपको फंक्शन के बारे में बताऊंगा, ठीक है, उनको आप लिख लीजिएगा जो फंक्शन मैं आपको लिखने को कहूंगा। देखिए कांस्टेंट फंक्शन आपको पता है क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन 1 2 3 4 5 6, ये कांस्टेंट फंक्शन आ गए। उसके बाद आता है हमारे पास जीरो फंक्शन, जीरो फंक्शन होता है जीरो, ठीक है, जीरो फंक्शन क्या हुआ, जीरो। मुझे बताइए डोमेन ऑफ जीरो फंक्शन कितनी रहेगी और रेंज ऑफ जीरो फंक्शन क्या रहेगी, बताइए, क्योंकि एग्जाम में डोमेन और रेंज के ऊपर ही क्वेश्चन बनते हैं। बताइए रेंज ऑफ जीरो फंक्शन क्या होगी, जो जीरो फंक्शन है उसकी रेंज कितनी रहेगी, जल्दी से बताइए। बिल्कुल ठीक जीरो, मोहिंदर ठाकुर जी बिल्कुल ठीक है, जीरो फंक्शन की रेंज क्या रहेगी, जीरो रहेगी, बिल्कुल ठीक। अब देखिए नेक्स्ट एब्सोल्यूट फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको समझ लीजिए, क्या है एब्सोल्यूट, इसके नोट्स बना लीजिएगा जो मैं यहां पर लिख रहा हूं। एब्सोल्यूट फंक्शन, एब्सोल्यूट फंक्शन होता है मॉड एक्स, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ये है हमारा एब्सोल्यूट फंक्शन, ठीक है। इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ एब्सोल्यूट फंक्शन, बताइए डोमेन क्या होगी इस फंक्शन की, जल्दी से बताइए कमेंट करके।
डोमेन क्या होती है, वो वैल्यू जिसके ऊपर फंक्शन डिफाइंड हो। तो बताइए कौन सी वैल्यू है जिस पे फंक्शन डिफाइंड होगा, जल्दी से बताइए। हाँ ठीक है, लेकिन सब नंबर जो एक्स लिख रहे हो, एक्स का मतलब ऑल रियल नंबर हो गया। एक्स तो वेरिएबल है, एक्स तो वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हम डालेंगे। जिन्होंने रियल नंबर लिखा है, सारे नंबर जितने भी नंबर है उस पर फंक्शन डिफाइंड होगा। तो डोमेन हुई रियल नंबर। डोमेन क्या होती है, वो वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइंड हो, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो ये फंक्शन जो मर्जी वैल्यू डाल दीजिए, जो मर्जी वैल्यू डाल दीजिए, फंक्शन होगा हमेशा डिफाइंड। रेंज बताइए इसकी, रेंज कितनी होगी इस फंक्शन की, इस फंक्शन की रेंज बताइए। रेंज होती है कि अभी बताया था, डोमेन की वैल्यू पुट करके जो हमारे पास सारी वैल्यू आती है उस सेट को कहा जाता है रेंज। डोमेन आपको रियल नंबर पता लग गया, सारे रियल नंबर पुट कीजिए यहाँ, वो रेंज होगी। तो बताइए कौन से नंबर आएंगे। ठीक है, पॉजिटिव आर, लेकिन इसको पॉजिटिव आर नहीं लिखते, इसको आप लिख सकते हो 0 to infinity। 0 to infinity ये इसकी रेंज हुई। माइनस का नंबर डालिए, -3 प्लस का बन जाएगा, -4 प्लस का 4 बनेगा, 0 0 रहेगा। नेगेटिव की वैल्यू भी डालेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा हमारे पास। तो अब्सोल्यूट फंक्शन की डोमेन ऑल रियल नंबर है, रेंज 0 to infinity है। एक चीज याद रखिए, एग्जाम में जनरली डोमेन निकालने को आती है, क्योंकि रेंज निकालने का मेथड बहुत लंबा है, लेकिन ऐसे फंक्शन की डायरेक्ट रेंज पूछी जाती है, इस ऐसे फंक्शन में डोमेन नहीं पूछी जाती। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, अब्सोल्यूट फंक्शन की रेंज हुई 0 to infinity। कोई भी रियल नंबर यहाँ पर डालिए पॉजिटिव ही आएगा, तो 0 से इनफिनिटी की रेंज हुई। यहां तक क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट देखिए, नया फंक्शन है आपके लिए, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था, शायद 2015 या 2016 वाले क्वेश्चन पेपर में कहीं मेरे दिमाग में है कि ये मैंने पढ़ा हुआ है। फंक्शन है सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, क्या किसी ने इसका नाम सुना है, सिग्नम फंक्शन का? फिर आगे बताता हूं कि सिग्नम फंक्शन होता क्या है और इसकी रेंज क्या है, इसकी डोमेन क्या है। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूं। सिग्नम फंक्शन देखिए, दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स व्हेन एक्स कैन नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। इस फंक्शन को कहा जाता है सिग्नम फंक्शन, लिख लीजिए। इस फंक्शन को क्या कहा जाता है, सिग्नम फंक्शन कहा जाता है। इसकी रेंज क्या होगी, देखिए रेंज ऑफ दिस फंक्शन, क्योंकि ऐसे फंक्शन में डायरेक्ट रेंज पूछी जाती है और जो सॉल्व करने के लिए होते हैं उनमें डोमेन पूछी जाती है, क्योंकि उन क्वेश्चन में रेंज निकालना टिपिकल रहता है। तो इसकी रेंज होगी, देखिए सेट -1 0 कॉमा 1, क्या होगी इसकी रेंज, -1 0 कॉमा 1। कैसे, देखिए कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, मान लीजिए प्लस का 3 डालता हूं, 3 by 3 1, 0 होगी तब 0 रहेगी। माइनस की वैल्यू डालिए, -1 by -1, ऊपर वाला -1 बन जाएगा पॉजिटिव, नीचे वाला रहेगा -1। जैसे मान लीजिए -3 डालता हूं एक्स की वैल्यू, मोड ऑफ -3 डिवाइडेड बाय -3 कितना आएगा, 3 by -3 विच इज इक्वल टू 1 विद नेगेटिव साइन। जो मर्जी वैल्यू डालिए सिग्नम फंक्शन में, रेंज इसकी रहेगी -1 0 कॉमा 1, और इस फंक्शन को सिग्नम फंक्शन कहा जाता है। कैसा फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसकी रेंज पता लग गई होगी। अगर रेंज पता लग गई तो प्लीज यस टाइप कर दीजिए।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है ग्रेटेस्ट इंटीजर का तो मैं इसको स्किप करूंगा, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट आपको बहुत कुछ अभी पढ़ाना है इस यूनिट में, नहीं तो बहुत लंबी खींचेंगी। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का कॉन्सेप्ट पता है यस टाइप कर दीजिए, नहीं पता है तो अभी बता देता हूं। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप यस टाइप कर दीजिए, वरना मैं आगे प्रोसीड करूंगा। ठीक है, तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर नाम तो आपने काफी बार सुना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्क्वेयर ब्रैकेट से ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट करते हैं। जैसे यहां पर है 3.5 -3.5, मान लीजिए -3 3 पॉजिटिव 4.5, ये सारे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा, एक ही बार समझ लीजिए, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। जितना बुक में इलेबोरेट करके दिया गया होता है उसके पचड़े में नहीं पढ़ना है। 3.5 है जहां भी ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, ठीक है, उसकी लेफ्ट साइड में जाना है आपने हमेशा। किस साइड में? लेफ्ट, हमेशा याद रखना है, उल्टी लेफ्ट साइड में जाना है। जैसे 3.5 है ग्रेटेस्ट इंटीजर, 3.5 नंबर लाइन पे देखिए, ये है नंबर लाइन, दिस इज 0 1 2 4, -1 -2 -3 -4। अब देखिए 3.5 कहां पर है? प्लस की साइड को है, तो इसका जो पीछे वाला लेफ्ट साइड की तरफ आना है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.5 होगा प्लस का 3। -3.5 देखिए, -3.5 समथिंग है यहां पर होगा, इसके लेफ्ट तरफ जाना है, तो लेफ्ट की तरफ कितना आ गया? -4। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? -4। जो इंटीग्रल वैल्यू होती है वो वैल्यू वही रहती है, -3 -3 रहेगा, +3 +3 रहेगा, 4.5 है, प्लस का है, लेफ्ट साइड को आइए, 4.5 यहां जैसे होगा तो प्लस का है, तो इंटीग्रल वैल्यू कितनी आई? 4। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हुआ? 4। सिंपल सा फंडा है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, चाहे नेगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो, लेफ्ट की तरफ जाना है, तो लेफ्ट साइड की उसकी पहली इंटीग्रल वैल्यू होगी, वो उस वैल्यू का फ्रैक्शनल वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर कहलाता है। आई होप अब आपको समझ आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सी वैल्यू रहती है। 3.9, ठीक है, जैसे उन्होंने पूछा 3.9, देखिए 3.9 आएगा यहां जैसे, 3.9 प्लस का है या माइनस का? प्लस का। 3.9 कहाँ है? 3.9 आएगा इधर, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही आना है, 3 ही रहेगा। अगर -3.9 होता तब -4 रहना है। सिंपल, आपने इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो है प्रोसीड करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन फंक्शन क्या होता है ऑड फंक्शन क्या होता है? 2020 में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। होप जितना अभी तक करवाया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत आपको रहती है, आपको आवाज आ रही है नहीं आ रही, अगर मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ स्लो पढ़ा रहा हूँ, किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे जरूर बता दीजिएगा। आज का जो हमारा नेक्स्ट है इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, इंपॉर्टेंट है समझ लीजिए। इवन फंक्शन, नेक्स्ट इज ऑड फंक्शन, ठीक है, ये दो फंक्शन है। इसके बाद न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन आज आपको सारे फॉर्मूलाज इसलिए करवा रहा हूं ताकि एक साथ आपके नोट्स बन जाए, उसके बाद प्रैक्टिस तो होती रहेगी। ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आपको एग्जाम में भी जाना है, मान लीजिए एग्जाम से 2-3 दिन पहले रिविजन करना है, तो डायरेक्ट नोट्स पढ़े, एग्जाम में सॉल्व किया। इवन फंक्शन देखिए, इवन फंक्शन डायरेक्ट आपको बताऊंगा, डेफिनेशन में नहीं पढ़ना है। इवन फंक्शन क्या होता है? मान लीजिए एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, कोई वैल्यू, अगर हम माइनस यहां पर पुट करते हैं, एक्स की को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से, वैल्यू रहती है सेम,
एफ ऑफ एक्स, ये कहलाएगा इवन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझिए, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आएगा, माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो कितना आ गया एफ ऑफ माइनस एक्स, क्या आ गया एफ ऑफ एक्स। इस फंक्शन को कहा जाता है इवन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देता हूं आपको, कॉस एक्स, कॉस एक्स कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, डायरेक्ट कॉस एक्स हम पुट कर सकते हैं। ऑड फंक्शन क्या होता है, जब एफ ऑफ माइनस एक्स जो है माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाए। एग्जाम्पल से समझिए, एफ ऑफ एक्स मान लीजिए हमारे पास है एक्स की क्यूब प्लस थ्री, ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आएगा, प्लस थ्री अभी रहने दीजिए, एक्स की क्यूब लिखते हैं, ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आएगा, माइनस ऑफ एक्स की क्यूब, ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स क्यूब, जिसे हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स कितना आया हमारे पास, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हुआ ऑड फंक्शन। इसका एग्जाम्पल दीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इस एग्जाम्पल पे बिल्कुल फिट बैठेगी, जल्दी से बताइए। इसका तो मैंने बता दिया कॉस एक्स होता है, इसका बताइए एक एग्जाम्पल मेरे को। बिल्कुल ठीक, साइन एक्स हो गया, टेंजेंट एक्स हो गया, क्योंकि साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस टेंजेंट एक्स। तो ये सारे ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन के एग्जाम्पल है। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद एक रहता है रेसिप्रोकल फंक्शन, उसको बहुत ज्यादा बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। दिस फंक्शन को रेसिप्रोकल फंक्शन कहते हैं, वन बाय एक्स, ठीक है, डोमेन क्या होगी इस फंक्शन की, ऑल रियल नंबर माइनस कितना होगा बताइए, डोमेन बताइए इस फंक्शन की, वन बाय एक्स की डोमेन बताइए जल्दी से, ऑल रियल नंबर माइनस, यहां पर क्या पुट करूंगा, वन बाय एक्स रेसिप्रोकल फंक्शन है, क्या डोमेन रहेगी इसकी, जीरो, बिल्कुल ठीक, ऑल रियल नंबर माइनस जीरो। क्यों, अगर हम वन ओवर एक्स में देखिए जीरो पुट कर देते हैं तो फंक्शन तो इंफिनिटी बन गया, डिफाइंड ही नहीं होगा। इसलिए आपको कह रहा हूं डोमेन वो वैल्यूज होती है जिन पे फंक्शन डिफाइंड रहता है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो अब होगा, अब जो पढ़ेंगे हम वो ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत ज्यादा यूज होगा, एग्जाम में जरूर इस पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। टॉपिक है पीरियोडिक फंक्शन, क्या टॉपिक है, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन और पीरियड कैसे निकाला जाता है, ठीक है। वैसे तो ये टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्री का है, लेकिन मैंने जरूरी समझा कि आपको यहाँ पे भी बताऊंगा, जब ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तब भी बताऊंगा, ताकि क्लियर हो जाए, क्योंकि इस पॉइंट से क्वेश्चन हर साल बनता है, हर साल इस पीरियड निकालने को जरूर आता है एग्जाम में, ठीक है। इसलिए थोड़ा अभी बताऊंगा पीरियोडिक फंक्शन और पीरियड के बारे में, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री वाले टॉपिक में बताऊंगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो अच्छे से जो है क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स प्लस एल विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जहां पर ये एल क्या है, ये एल कहलाता है पीरियड, ठीक है, ये एल क्या है, पीरियड है। इस फंक्शन को कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन, लेकिन यहां पर पीरियड का क्या रोल रहता है वो आपको बताऊं। ये पीरियड वो छोटी वैल्यू होती है, सबसे छोटी वैल्यू, जिसके बाद जो है फंक्शन वैल्यू अपनी रिपीट करता रहता है उस इंटरवल पर, ठीक है। एल वो सबसे छोटी वैल्यू है जिसे पीरियड कहा जाता है, जिस वैल्यू को पुट करने पर, यानी उस इंटरवल पर जो है फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट करता है, उसे कहा जाता है पीरियड, और इस फंक्शन को कहा जाता है पीरियोडिक फंक्शन।
जी मीनाक्षी जी, रिकॉर्डिंग लेक्चर आप सभी को मिलेंगे, रिकॉर्ड जो है वीडियो ये हो रही है, क्लास के बाद जो है विद इन 24 आवर ये जो वीडियो है ये रिकॉर्डेड अपलोड हो जाएगी। रिकॉर्डिंग वाले सेक्शन में आपने जाना है, आपको वहां पर रिकॉर्डेड पूरा लेक्चर मिलेगा। तो मैं क्या बता रहा था पीरियड के बारे में, तो ये फंक्शन हुआ पीरियोडिक, जहां पर एल क्या है पीरियड। अब जो मेन चीज आपको यहां पर बताता हूं, देखिए साइन एक्स कॉस एक्स इनका पीरियड बताइए मुझे, इसका पीरियड कितना होता है पता तो आपको होगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे फंक्शन है जिसमें हमने क्रैम किया होता है। साइन एक्स कॉस एक्स पीरियड बताइए क्या होगा, उसके बाद टेंजेंट एक्स का बताइए, टेंजेंट एक्स का बताइए, उसके बाद और इंपॉर्टेंट है एक मॉड ऑफ साइन एक्स और मॉड ऑफ कॉस एक्स, इन सबके पीरियड मुझे बताइए। सबसे पहले बताइए साइन ऑफ एक्स और कॉस एक्स का पीरियड कितना रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए। अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज नो टाइप कर दीजिए, ताकि मैं आपका ज्यादा वेट ना करूं, जिससे हम सबका टाइम जो है खत्म नहीं होगा। मैं आपको डायरेक्ट समझाऊंगा, ऐसा तो नहीं है कि कुछ यहाँ होने वाला है। अगर आपको, अगर मैंने कोई क्वेश्चन पूछा आपको आता है आंसर टाइप के लिए, नहीं आता है सिंपली नो कर दीजिए, ठीक है, ताकि मेरे को ये समझ आ जाए कि हाँ आपको नहीं आता है तो मैं उसको अच्छे से इलैबोरेट करके बताऊंगा, अदरवाइज मुझे लगेगा कि हाँ आपको आता है तो मैं ऐसे ही निकल जाऊंगा आगे। देखिए 2π बिल्कुल ठीक रजनी कौंडल जी, 2π ही होता है। देखिए अब ध्यान से समझिए फुल कंसंट्रेशन के साथ, पहले तो समझिए पीरियड क्या होता है, बता रहा हूं एक बार समझ लीजिए, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, तो जिस मर्जी फंक्शन का निकालने को दे दिया जाएगा आपको, एग्जाम में हमेशा आप अच्छे से सॉल्व करोगे। देखिए पीरियड, पीरियोडिक फंक्शन को भूल जाइए, सिर्फ पीरियड पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। पीरियड होती है वो वैल्यू जिसको ऐड करने पर उस फंक्शन की वैल्यू रिपीट होने लग जाती है उस इंटरवल पर। फॉर एग्जांपल देखिए साइन एक्स किसका पीरियड होता है 2π, टेंजेंट एक्स का पीरियड होता है पाई, मॉड ऑफ साइन एक्स मॉड ऑफ कॉस एक्स का पीरियड भी रहता है पाई। क्यों रहता है 2π, अभी आपको बताता हूं अच्छे से क्लियर होगा। पहले तो ये वैल्यू लिख लीजिए, स्टैंडर्ड वैल्यू है, डायरेक्ट भी एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है। देखिए साइन एक्स का पीरियड 2π क्यों रहता है, मान लीजिए देखिए ये फंक्शन है पीरियोडिक, जैसे साइन ऑफ यहां पर मान लीजिए पाई बाय 3 है प्लस 2π, ठीक है, ये है हमारे पास वैल्यू। वैसे ये मेन ट्रिग्नोमेट्री का है, लेकिन आपको दो बार समझाऊंगा ज्यादा क्लियर होगा। देखिए ये है वो इंटरवल, इसको एड कर रहे हैं हम पाई बाय 3 में, विच इज इक्वल टू देखिए 2π, पाई 2π फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, 2π प्लस पाई बाय 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, कितना बनेगा साइन पाई बाय 3, ठीक है। अब देखिए साइन ऑफ पाई बाय 3 प्लस इंटरवल ऐड करूंगा 2π, 2π प्लस 2π 4π, कितना आएगा साइन ऑफ पाई बाय 3। तो देखिए 2π इंटरवल के बाद जो है वैल्यू रिपीट हो रही है, इसलिए इसको कहा जाता है पीरियोडिक फंक्शन, जिस इंटरवल के बाद वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाए। साइन और कॉस के केस में 2π रहता है, टेंजेंट कोटेंजेंट के केस में पाई रहता है, पाई इंटरवल के बाद वैल्यू रिपीट होती है। क्वेश्चन राइज होता है मॉड, देखिए मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ साइन एक्स इसका इंटरवल पाई क्यों होता है, मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, साइन की रेंज होती है -1 से 1, मॉड वाले केस में पाई रहेगा, क्यों रहेगा आपको मैं ग्राफ भी बता देता हूं, ध्यान से समझिए। देखिए साइन का जो ग्राफ रहता है 0 पे 0 होता है और इस तरीके से चलता है,
ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में बिल्कुल डिटेल से आपको बताऊंगा। बस यहां पर आप इतना समझ लीजिए, साइन कॉस का पीरियड 2 पाई रहता है, टेंजेंट को टेंजेंट का पाई रहता है, मॉड ऑफ साइन कॉस का पाई रहता है। पीरियड क्या रहता है? वो छोटा से छोटा इंटरवल जिसको ऐड करने के बाद भी वैल्यू सेम रहती है, उस इंटरवल को कहते हैं पीरियड। क्या कहते हैं उसे? पीरियड यानी पीरियोडिक। बात आई मॉड ऑफ साइन एक्स की, इसका इंटरवल पाई ही क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी वैल्यू देखिए मॉड है तो ये कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी इसके नेगेटिव वाले, इसका ग्राफ सिर्फ ऊपर रहेगा, कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। तो 0 से पाई, इसकी वैल्यू भी 0 से पाई आ रही है, लेकिन देखिए पाई इंटरवल के बाद ये वाली वैल्यू नहीं है नीचे वाली, तो पाई इंटरवल के बाद जो है वैल्यू इसकी रिपीट होगी। नेक्स्ट ग्राफ इसका यहाँ जैसे इस बनेगा, पाई इंटरवल के बाद इसकी वैल्यू क्या है? रिपीट होती जाएगी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। इसलिए मॉड ऑफ साइन एक्स और मॉड ऑफ कॉस एक्स का इंटरवल कितना रहेगा, माफ कीजिएगा, पीरियड कितना रहेगा? पाई रहेगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया कि पीरियड क्या होता है और पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। तो यस टाइप कर दीजिए। मोहिंद्र ठाकुर जी यस, शबनम राणा यस, मीनाक्षी यस, रजनी कौंडल जी क्या आपको यहां तक क्लियर है? तो प्लीज यस टाइप कर दीजिए। ठीक है, अब एक और चीज समझ लीजिए फटाफट, उसको न्यूमेरिकल करेंगे। अभी न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर किसी फंक्शन का पीरियड डायरेक्ट निकालने को, इतना इजी वैसे एग्जाम में नहीं आता, पर हो सकता है इजी आ जाए, लेकिन हमें करना ही ना आता हो तो इजी क्वेश्चन भी कई बार रह जाते हैं। साइन ऑफ 2x का पीरियड बताइए। साइन x का तो 2 पाई रहता है, मान लीजिए इस तरीके से आ जाए साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 3x, इस तरीके से पीरियड निकालना आ जाए आपको, तो उसका एक डायरेक्ट फार्मूला है। फार्मूला क्या होगा? देखिए जो साइन एक्स का पीरियड होता है कितना होता है? 2 पाई, स्टैंडर्ड वैल्यू हमें पता है, डिवाइडेड बाय जो कोफिशिएंट है कितना है? 2 है यहाँ पर, तो 2 से 2 कैंसिल, इसका पीरियड आ गया पाई। साइन ऑफ 3x कितना होता है? साइन का पीरियड 2 पाई, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट 3, तो कितना आ गया? 2π/3 इसका पीरियड आ गया। इतना आसान क्वेश्चन वैसे एग्जाम में नहीं आता, लेकिन पता होना चाहिए, अगर हमें पता नहीं हो तो हम इसका पीरियड नहीं निकाल सकते। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। आपको यह बता दूं प्रीवियस ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया था? प्रीवियस ईयर में आया था ये वाला क्वेश्चन, पीरियड से मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स, इसका पीरियड निकालने को पूछा गया था। तो ये आपके लिए होमवर्क है, व्हाट्सएप पे इसका मुझे मैसेज आना चाहिए, जब ट्रिग्नोमेट्री करेंगे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ये फार्मूला आप लिख लीजिए। चलिए देखिए न्यूमेरिकल देखिए, पहला जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था 2020 का न्यूमेरिकल है ये। लेट आर बी ए रिलेशन ऑन अ सेट ए, आर है रिलेशन किसी सेट ए के ऊपर, सच दैट आर इज इक्वल टू आर इनवर्स, आर जो है आर इनवर्स के बराबर है, देन आर इज, आर क्या होगा? ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव सिमिट्रिकल ऑफ द अबव, जल्दी से बताइए, इस टाइम तक हो जाना चाहिए था, बिल्कुल सिंपल है। इनवर्स फंक्शन मैंने आपको बताया है, ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक की डेफिनेशन मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी दे दी थी आज, जल्दी से बताइए। लेट आर बी ए रिलेशन ऑन अ सेट ए सच दैट आर जो है आर इनवर्स के बराबर है, तो उस केस में आर क्या होगा? सिमेट्रिक, बिल्कुल ठीक सिमेट्रिक होगा। देखिए कैसे, मैं आपको बता देता हूं। अभी मान लीजिए ए बी बिलोंग कर रहे हैं सेट ए का एलिमेंट है, ठीक है, इसी के ऊपर रिलेशन लग रहा है, सेट ए का एलिमेंट है, तो ए बी मान लीजिए आर के तरफ है, आर इनवर्स क्या होगा? ये जो बी ए है एलिमेंट उल्टे हो जाएंगे, ये बिलोंग करेंगे आर इनवर्स को, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था इनवर्स फंक्शन क्या होता है,
अब देखिए आर जो है आर इनवर्स के बराबर है, मतलब ए बी हमारे पास बराबर हो गया बी ए के, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन, सेकंड वाला जो हमने पढ़ा था, पहला पढ़ा रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांसिटिव, तो हो गया ट्रांसिटिव, माफ कीजिएगा सिमेट्रिक। तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है। कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में विद डेफिनेशन? मोहिंद्र ठाकुर जी कोई डाउट, शबनम राणा जी कोई डाउट आपको तो प्लीज बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट। द डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन, बताइए इवन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, इवन और नेगेटिव या नन ऑफ अबव। 2020 में देखिए लास्ट ईयर में जो भी लास्ट कमीशन हुआ उसमें ये क्वेश्चन था, डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन होगा, ऑड होगा, नेगेटिव होगा, नन ऑफ द अबव होगा, जल्दी से बताइए इवन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा। रजनी कौंडल जी ने बिल्कुल ठीक लिखा है, ऑड फंक्शन होगा। देखिए कैसे ऑड फंक्शन होगा वो भी आपको बताता हूं। डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन, पहले तो कोई भी इवन फंक्शन ले लीजिए, ये इवन फंक्शन है जी हाँ है, इसका डेरिवेटिव करिए एफ डैश एक्स कितना होगा, 2x होगा। ठीक है, अब करिए एफ डैश माइनस एक्स, एफ डैश माइनस एक्स कितना होगा, 2 × -x विच इज इक्वल टू -2x, ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डैश एक्स। तो ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन क्या होगा, ऑड। अगर ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव आए तो बताइए क्या होगा, जल्दी से ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा। जी हाँ बिल्कुल ठीक, इवन फंक्शन का डेरिवेटिव ऑड होगा, ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन होगा। डेफिनेशन आपको लगानी है, फंक्शन आपको बता दिए हैं कि इवन और ऑड क्या होता है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, तो सभी के सभी यस टाइप कीजिए प्लीज, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोमेन ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है, 1/3x+2, बताइए डोमेन क्या होगी इस फंक्शन के, बताइए डोमेन क्या होगी इस फंक्शन के। देखिए डोमेन कैसे करते हैं, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऑल रियल नंबर माइनस, माइनस में कितना आएगा, ये जो 3x+2 है ये कैन नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर 0 हमें नहीं चाहिए, जब 0 नहीं चाहिए तो कितना आ गया, 3x कैन नॉट इक्वल टू -2, x कैन नॉट इक्वल टू -2/3, तो -2/3 सारे रियल नंबर होंगे डोमेन में एक्सेप्ट -2/3, तो ये इसकी डोमेन हो गई। ध्यान दीजिए जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तब हमेशा डोमेन पूछा जाएगा, क्योंकि इनकी रेंज निकालना बहुत टिपिकल रहता है, और जब डायरेक्ट अगर रेंज वाला क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन पुट होगा कि बताइए मॉडुलस फंक्शन की रेंज क्या होगी, सिग्नम फंक्शन की रेंज क्या होगी, साइन एक्स की रेंज क्या है, कॉस एक्स की रेंज क्या है, उस केस में रेंज पूछा जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन में डोमेन पूछा जाता है। अंतिम क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 2019 में आया है, अब जो हम नेक्स्ट करेंगे वो 18 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ax - b / bx - c, विच इज इक्वल टू y, तब
तब हमसे पूछा गया है एफ ऑफ वाई कितना होगा। ऑप्शन ए है एक्स, ऑप्शन बी है वाई, ऑप्शन सी है टू वाई, ऑप्शन डी है थ्री वाई। जल्दी से बताइए इसका क्वेश्चन आंसर कितना होगा, एफ ऑफ वाई किसके बराबर होगा। फंक्शन ये गिवन है y के बराबर है, एफ ऑफ वाई हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है x, बी y, ऑप्शन सी 2y एंड ऑप्शन डी 3y। देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे करना है, दो तरीके हैं करने के। जी हाँ बिल्कुल ठीक है रजनी कोमल जी, x होगा इसका आंसर। देखिए अब सभी अपना ध्यान यहां लगाइए, इसके दो तरीके हैं करने के। पहला तरीका है हीट एंड ट्रायल मेथड का, अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है एग्जाम में, ठीक है, तब आपको हीट एंड ट्रायल लगाना है। दूसरा मेथड है जिसके थ्रू ये आंसर निकलेगा। देखिए दोनों तरीके बता रहा हूं, हीट एंड ट्रायल लगाइए मेथड ए वाई। देखिए एफ ऑफ वाई निकालना है हमें, वाई पुट करेंगे हम ए वाई माइनस बी ओवर बी वाई माइनस से, बिल्कुल इसका अपोजिट हो रहा है तो डायरेक्ट हमें समझ आ जाएगा कि x के बराबर होगा, क्योंकि f of x है ax minus b over dx minus y के बराबर। जब y पुट करेंगे तो ऑब्वियस x के बराबर होगा। ये होता है हिट एंड ट्रायल मेथड जब आपके पास एग्जाम में बिल्कुल भी वक्त नहीं है। दूसरा, अगर हार्डली आपके पास 30 सेकंड भी है टाइम को, तो देखिए कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना है तो वाई बी एक्स माइनस ए वाई विच इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी, ठीक है। उसके बाद देखिए वाई बी एक्स इसको तरफ ले आया माइनस ए एक्स इसको पहली तरफ ले गया ए वाई माइनस बी, ठीक है। कितना कॉमन आया यहां से, एक्स कॉमन आया, वाई ऑफ बी माइनस ए विच इज इक्वल टू ए वाई माइनस बी, एक्स कितना आया ए वाई माइनस बी ओवर वाई बी माइनस ए, तो निकल गया एक्स हमारे पास। जो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। आई होप जितना भी आज मैंने करवाया आपको अच्छे समझ आ गया होगा, नोट्स आपने बना लिए होंगे। कोई डाउट रहता है क्वेरी रहती है प्लीज कमेंट करके बताएं। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो है हम कल पढ़ेंगे। बहुत सारे भी फॉर्मूलाज बचते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला जिसके बेसिस के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपने जितना भी करवाया नोट्स बना लिए हैं, तो प्लीज यस टाइप कीजिए। कोई डाउट किसी को किसी भी क्वेश्चन के ऊपर या रिगार्डिंग कुछ भी, तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। उसके बाद क्लास का सेशन को जो है आज खत्म करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको ये वीडियो जो है रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी। और हाँ, जितना भी करवाऊंगा सारे का सारे नोट्स बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस तरीके से मैच पढ़ेंगे, आसान से पढ़ेंगे, टिपिकल तक जाएंगे, ठीक है, ताकि एक चाहे कम टॉपिक पढ़ेंगे एक दो या तीन दिन में, लेकिन इस तरीके से पढ़ेंगे कि उन टॉपिक से जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए सॉल्व हो जाना चाहिए। अब आप प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम्पल पेपर जो सॉल्व कर लीजिए, जितना मैंने आज करवाया आधे से ज्यादा जो है आप सॉल्व कर लोगे। और कल वाली वीडियो और परसों वाली वीडियो दो दिन लग जाएंगे, अभी भी इसको काफी लंबा टॉपिक है। उसके बाद जो है तीन दिनों के बाद यहाँ से आपका एक नंबर पक्का है, यानी दो क्वेश्चन आते हैं हर साल, तो दो क्वेश्चन आपके जरूर सॉल्व होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे कल आपके साथ फिर से 4 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।